आप देख रहे हैं NMT न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 13वें दिन भी जंग जारी है। युद्ध के 13वें दिन रूस ने मंगलवार को कीव, चेर्निहाइवा, सुमी, खारकीव और मारियोपोल शहरों में मानवीय कॉरिडोर को खोलने के लिए युद्ध विराम की घोषणा की है, जिसमें अधिकांश मार्ग रूस या उसके सहयोगी बेलारूस के ओर जाते हैं। हालांकि यूक्रेन ने रूस के इस कदम को एक पब्लिसिटी स्टंट बताया है। यूक्रेन ने कहा कि रूस लगातार उन पर हमले कर रहा है। बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा पिछले महीने विशेष सैन्य अभियान की घोषणा के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। रूस ने यूक्रेन के 5 शहरों में की युद्ध विराम की घोषणा। रूस का कहना है कि उसने मानवीय गलियारे खोलने का फैसला किया है, जिसमें अधिकांश मार्ग रूस या उसके सहयोगी बेलारूस की ओर जाते हैं। हालांकि यूक्रेन ने रूस के इस कदम को एक पब्लिसिटी स्टंट बताया है। यूक्रेन में मारे गए भारतीय छात्र के शव लाने का प्रयास जारी है। इसी बीच कर्नाटक के CM बसवराज बोम्मई ने बताया कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हमें सूचित किया है कि नवीन के शव को यूक्रेन में एक शवगृह में रखा गया है। गोलाबारी रुकने के बाद उनका पार्थिव शरीर भारत लाया जाएगा। भारत में रूसी दूतावास ने बताया कि यूक्रेन से युद्धग्रस्त क्षेत्रों से लोगों को निकालने के लिए मॉस्को को समय अनुसार समय 10 बजे से युद्ध विराम की घोषणा की गई है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत ने यूक्रेन से सभी निर्दोष नागरिकों, भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षित मार्ग की मांग की है। दोनों पक्षों से हमारे आग्रह के बावजूद सुमी में फंसे हमारे छात्रों के लिए सुरक्षित गलियारा नहीं बन पाया। इंडिया फर्स्ट डिजिटल TV मीडिया नवी मुंबई टाइम्स न्यूज। ताज़ा तरीन देश विदेश की खबरों को देखने के लिए YouTube पर सर्च करें NMT न्यूज। NMT न्यूज को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन और पाएं उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, नवी मुंबई, ठाणे की ताज़ा तरीन खबरें सिर्फ नवी मुंबई टाइम्स न्यूज पर।